अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज का ये जो शॉर्ट सा वीडियो है, ये है हमारे पास माई ग्लैम के ब्रांड पे। क्या ये वीगन है, हलाल है या नहीं है, उसके लिए प्लीज़ वॉच द वीडियो। अच्छा, मनीष मल्होत्रा का ये ब्रांड है जो कि बहुत फेमस इंडियन है, पता नहीं प्रोड्यूसर है या क्या है, आई डोंट नो। अच्छा, ये इनका ब्रांड आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पीटा अप्रूव्ड, क्रूरिटी फ्री एंड वीगन टू। ठीक हो गया। जब भी वीगन आ जाए तो मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ एक दो चीज़ें उसमें देखें, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको हलाल कंसीडर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नीचे आते ही यहाँ पे आप देखें कि इसमें बीज वैक्स है जो कि वीगन में भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीज वैक्स जो है वो वीगन के लिए अलाउड ही नहीं है, वो उसको यूज़ नहीं करते। हाँ, बाकी के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने सर्च किए थे, वो परमिसिबल ही हैं। तो ये वीगन है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू रीड द इंग्रेडिएंट्स कि उसमें लेनोलिन ना। वीगन को मैं परमिसिबल ज़रूर कहती हूँ, लेकिन हरगिज़ ये नहीं कहती कि वो हलाल है। आपको उसमें भी बहुत कॉशियस होकर जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं। जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ, लेनोलिन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल कोई भी नहीं होना चाहिए सवाई उसके कि जो अल्कोहल हलाल है, जैसे सीटल अल्कोहल हो गया, और इसके अलावा डेंट अल्कोहल हो गया जो परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ होते हैं, या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो अल्कोहल पे वीडियो आपने देखनी हो तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा ताकि उसको देख के आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। और वैसे भी मैं जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक इंडियन हैं, वो ब्रांड्स को लेके मुस्लिम की जो वैल्यूज़ हैं उनको इतना ज़्यादा वो कंसिडर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हलाल ऑप्शन ही यूज़ करें, जैसे कि आपके पास पहले ही वो सॉरी इबा हलाल कॉस्मेटिक है, वो आप यूज़ करें।